हेलो दोस्तों, मैं हूँ यशवंत, एक पंप ऑपरेटर का मैकेनिक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंप प्लेट के ऊपर जो प्लेट लगी होती है उसके ऊपर जो लिखा होता है उसका मीनिंग क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे लाल बटन को दबा करके, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि एक पंप नेम प्लेट के ऊपर जो इंडिकेट जो लिखा रहता है उसका मीनिंग क्या होता है। और आज हमारे पास एक हम ग्लैंड टाइप का पंप हमारे पास है जिसके कि मैंने यहाँ पे नेम प्लेट को इस कागज़ के ऊपर उतार दिया। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि पंप नेम प्लेट के ऊपर लिखा रहता है उसका क्या मीनिंग होता है और किस की ओर वो इंडिकेट करता है। और आज हम जानेंगे सबसे पहले ग्लैंड टाइप पंप को। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि पंप टाइप। पंप टाइप में उसके आगे लिखा रहता है CPM, CPHM, CPHM और आगे लिखा है 150x32। 150 आपका 150x40 ये लिखा है। तो जो 150 है ये किस को इंडिकेट करता है और 40 और 32 जो आपका 150 है ये आपकी डिलीवरी साइड को इंडिकेट करता है। जो आपका डिस्चार्ज पाइप होता है उसका डाया है ये 150 और 32 जो लिखा है बाई 32 बत्ती ये 32 सेंटीमीटर आपके इंपेलर का डाया है। जो इंपेलर है वो 32 सेंटीमीटर का है और 150 आपकी डिलीवरी पाइप का डाया है। ये जो पंप से डिलीवरी डाया है वो आपका 150 mm ये आपकी डिलीवरी पाइप का जो डाया है इसको 150 इसको इंडिकेट करता है कि ये आपकी डिलीवरी पाइप का डाया है। और 32 जो इसमें बाई 32 लिखा हुआ है जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 150x32 32 का मतलब है कि जो आपका इंपेलर है उसका इंपेलर का जो डाया है ये इंडिकेट करता है कि इंपेलर के डाया की जो आपका इंपेलर का डाया है वो 32 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में है जो आपका डाया को इंडिकेट करता है। ये तो होगी पंप टाइप की बात। और जो इंपेलर है आपका उसमें इस तरह के कवर बने होते हैं कर्व, ये इस तरह का। और ये जो पूरा जो डाया है इसका ये 32 सेंटीमीटर है ये इस ओर इंडिकेट करता है। तो आई होप कि आपको मालूम हो गया होगा कि पंप टाइप में जो लिखा होगा उसका क्या मतलब है। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो सकता है। और अब हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे टोटल हेड। कई पंप के ऊपर टोटल हेड लिखा होगा, कईयों के ऊपर इसको एच से एच भी लिखा होगा और यहाँ पे 2.0 मीटर हेड तक ये पानी पहुँचाएगा। जो इसका हेड है वो जो वर्टिकली 90 डिग्री के ऊपर आपका पानी पहुंचाएगा इसको एच से इंडिकेट किया जाता है। कई जगह आपको एच मिलेगा, कई जगह टोटल हेड और बाई मीटर तक ये पानी पहुंचाएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे रेट ऑफ फ्लो कि पानी को किस फ्लो के साथ कितना पानी ये वहाँ तक पहुंचाएगा। ये क्यूब मीटर है, क्यूब मीटर में कई जगह आपको रेट ऑफ फ्लो लिखा नज़र आएगा और कई जगह क्यू लिखा होगा। तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि क्यूब मीटर मीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 65 लीटर पर सेकंड के हिसाब से ये जैसे पानी को एक सेकंड में 65 लीटर पानी ये पहुँचाएगा और क्यूब मीटर बटे पर आवर ये जो है इसका जब आप क्यूब निकालेंगे m की 3
जितना भी आपका फ्लो होगा वहाँ पे पानी का, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको नहीं निकालना आता तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपकी स्पीड, स्पीड या आरपीएम। कई जगह आपको स्पीड लिखा होगा मिलेगा और कई जगह आरपीएम होगा। आरपीएम 1400 और 2900 ये इंडिकेट करता है कि आरपीएम मतलब कि आपकी मोटर की जो शाफ्ट है, पंप की जो शाफ्ट है, वो पर मिनट के रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट के में जो है कितनी बार घूमती है, वो इसका वो इंडिकेट करता है कि या तो 1440 या तो 2900, इस तरह के 2956, इस तरह से स्पीड अलग अलग इसके आरपीएम होते हैं मोटरों के, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो है आरपीएम इसका कितना होगा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास पांचवा जो है साइज, साइज लिखा होगा, और साइज में आप देख सकते हैं कि 150x200 mm, ये साइज को इंडिकेट करती है आपके सक्शन साइड और डिलीवरी पाइप का जो साइज़ है ये उसको इंडिकेट करती है। यहाँ पे 150x200 आपके पास है तो 200 आपका इंडिकेट करता है सक्शन पाइप को, ये आपकी सक्शन पाइप का साइज़ होगा, और 150 आपका जो है डिलीवरी पाइप का साइज़ होगा, ये इंडिकेट करता है, 150 इंडिकेट करता है डिलीवरी पाइप को। और उसके बाद लिखा होता है रिकमेंडेड प्राइम मूवर रेटिंग, या तो किसी पंप के ऊपर पी लिखा होगा तो ये 2.0 किलोवाट रेटिंग को जो है इसमें रिकमेंड करता है। प्राइम मूवर जो आपका मोटर होगा या इंजन होगा चाहे कोई भी, इसके लिए आपकी 2 किलोवाट की प्राइम मूवर रेटिंग चाहिए। तो उसके बाद बात आती है मेक की, कि मेक जिस कंपनी ने इसको बनाया है, चाहे किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड या KSB अल्फा, जो भी आपके जिस भी कंपनी की का वो पंप होगा उसमें आगे कंपनी का नाम दिया होगा, और लास्ट में दिया होता है डू नॉट रन ड्राई, और किसी भी पंप को सूखा ना चलाए। इसका मतलब हुआ कि इस पंप को सूखा ना चलाए, क्योंकि सूखा चलने पर पंप गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाएगा और पंप सीज हो जाएगा। यदि आपके पास भी कोई इस तरह का पंप है, नेम प्लेट के ऊपर आपको कोई चीज़ पढ़ना नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ऐसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारा भी एक मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाल बटन को दबा करके, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि पंप से रिलेटेड हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।